Today I will teach the topic types of combustion of chapter combustion and flame for class 8. आज हम लोग combustion का types पढ़ेंगे. Previous classes में हम लोग combustion का definition, example, properties वगैरह पढ़ा था और आज हम लोग इसका types पढ़ेंगे. कितने प्रकार के combustion होते हैं. There are four types of combustion. Combustion के four types होते हैं. सबसे पहला है rapid combustion. रैपिड का अर्थ होता है रैपिड माने तेजी से, फास्ट. तो वैसा कंबशन जो फास्टली जो है हो उसको रैपिड कंबशन कहते हैं. तो इसका हम डिफिनेशन देंगे. द कंबशन रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड इन ए शॉर्ट टाइम कम समय में इज कॉल्ड रैपिड कंबशन. ऐसा कंबशन रिएक्शन जिसमें लार्ज अमाउंट में हीट एंड लाइट इवॉल्व हो बहुत कम समय में, इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इज कॉल्ड रैपिड कंबशन. जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे हम लोग एलपीजी को जलाते हैं, बर्निंग ऑफ एलपीजी. एलपीजी को जो हम लोग जलाते हैं इन ए गैस स्टोव टू गिव हीट एंड लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैपिड कंबशन. बर्निंग ऑफ किरोसिन, किरोसिन को हम लोग जलाते हैं तो वो भी जो है लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट इवॉल्व करता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में. तो ये सब जो है आपका रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल. दूसरा जो इसका टाइप है कंबशन का वह है स्लो कंबशन. स्लो कंबशन का अर्थ हुआ कि वैसा कंबशन जिसमें स्मॉल अमाउंट में हीट और लाइट दे और लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में. रैपिड का अपोजिट जो है वह स्लो कंबशन हुआ. तो देंगे द कंबशन रिएक्शन in which a small amount of heat and light are produced in a long time. इज कॉल्ड स्लो कंबशन. इसमें भी हीट और लाइट इवॉल्व होता है लेकिन चूंकि स्लो है धीरे धीरे होता है तो समय अधिक लगता है और इसलिए ये स्लो कंबशन कहलाता है. एग्जाम्पल जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन में अगर हम लोग आयरन में जो
कोरिजन होता है, रस्ट होता है, जंग लगता है, तो उससे भी हीट और लाइट बहुत स्मॉल अमाउंट में, है ना, धीरे धीरे उसमें अधिक समय लगता है और वो इवॉल्व करता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये एक स्लो कंबशन का एग्जांपल है। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का जो डाइजेशन होता है, पचता है, पाचन जो होता है भोजन का, उससे भी हीट और लाइट इवॉल्व होता है और उसमें कुछ समय लगता है, वो भी जो है स्लो कंबशन का एग्जाम्पल। तो दो हम लोग टाइप्स पढ़े, रैपिड और स्लो। तीसरा जो टाइप है कंबशन का, तीसरा टाइप वो है स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः अपने आप हो जाना, इसमें किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं। वैसा कंबसन जो अपने आप हो जाए, स्वतः हो जाए, उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबसन कहते हैं। इसको डिफाइन करेंगे, द कंबसन रिएक्शन which occurs on its own का मतलब without the help of any external heat is called spontaneous combustion। वैसा कंबसन जो अपने आप स्वतः हो जाए वो स्पॉन्टेनियस कंबसन है। जैसे द बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस को अगर हम लोग जलाएंगे नहीं, उसको ऐसे ही रखेंगे, जलाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही उसको रखेंगे नेचर में वो अपने आप जलना शुरू हो जाएगा। तो कह सकेंगे कि वो स्पॉन्टेनियस कंबसन है, द बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर पर ही जलना शुरू हो जाता है। द बर्निंग ऑफ सोडियम भी रूम टेम्परेचर पर स्वतः जल जाएगा। तो ये सब जो है स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जांपल। लास्ट जो है चौथा, क्योंकि चार ही टाइप्स के कंबशन होते हैं, तीन हम लोगों ने स्टडी कर लिया, लास्ट जो कंबशन है वो है, इसको एक्सप्लोसिव कंबशन कहेंगे। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है एक्सप्लोजन, माने विस्फोट कहिए। विस्फोट जो है, जैसे हम लोग दिवाली वगैरह में क्रेकर्स फटाका वगैरह जो उड़ाते हैं, तो उसमें एक लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट रिलीज करता है, तो वो जो एग्जांपल होगा वो एक्सप्लोसिव कंबशन का एग्जांपल। कहेंगे ए वेरी फास्ट कंबसन रिएक्शन a very fast combustion reaction in which a large amount of heat, light and sound are produced is called explosive combustion। कह रहा है कि वेरी फास्ट कंबसन रिएक्शन
बहुत तेजी से होगा, इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होगा, लाइट भी होगा और साउंड भी रिलीज करेगा इसमें। तो इस प्रकार के जब कंबशन होगा, बर्निंग प्रोसेस होगा, तो उसको हम लोग एक्सप्लोसिव कंबशन कहेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं द फायरवर्क्स क्रैकर्स जो आता है, विच आर एक्सप्लोड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, वर्क ऑन द एक्सप्लोसिव कंबशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इसका एग्जाम्पल होगा बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स। ये सब जो है एग्जाम्पल जो होगा एक्सप्लोसिव कंबशन का। तो ये फोर टाइप्स के कंबशन है जिसका डिफिनेशन एग्जाम्पल हम लोगों ने स्टडी किया। इन प्रीवियस क्लासेस हम लोग पढ़े थे कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया था कि 1 kg फ्यूल को अगर हम बर्न करते हैं तो जितना किलो जूल हीट रिलीज करता है वह उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। इसमें हम एक एग्जांपल थोड़ा न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू से एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग बनाते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट के द्वारा 4.5 kg ऑफ ए फ्यूल 4.5 kg का एक फ्यूल है वाज कंप्लीटली बर्न्ड। 4.5 kg का फ्यूल एक कंप्लीटली बर्न मतलब जलाया गया। द हीट प्रोड्यूस्ड जलाने के बाद उससे हीट प्रोड्यूस हुआ कितना? द हीट प्रोड्यूस्ड वाज मेजर्ड, हीट प्रोड्यूस हुआ जिसको मेजर किया गया टू बी 180,000 kilojoule। 180,000 kilojoule उससे हीट रिलीज हुआ। तो बताना है कि उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। 4.5 kg फ्यूल है जिसको कंप्लीटली बर्न किया गया, उससे हीट मेजर हुआ 180,000 kilojoule। तो कैलकुलेट करना है कि उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू का डेफिनेशन पढ़े थे कि 1 kg अगर फ्यूल को बर्न करते हैं जितना उससे किलो जूल हीट रिलीज हो वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये जो 180,000 है या 4.5 kg फ्यूल को जलाया गया, तो सबसे पहले हम लोग 1 kg फ्यूल का अगर बर्न करेंगे तो कितना उससे हीट रिलीज होगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे कि हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ 4.5 kg फ्यूल। 4.5 kg फ्यूल को अगर जलाया गया तो उससे कितना हीट रिलीज हुआ? 180,000 kilojoule। तो हीट प्रोड्यूस्ड बाई बर्निंग ऑफ 1 kg फ्यूल। अगर 1 kg फ्यूल को जलाएंगे तो कितना रिलीज करेगा? तो 180,000 अपॉन 4.5 डिवाइड कर देंगे उससे। 1 kg का निकलेगा कितना ये हीट रिलीज हुआ। तो अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो 10 यहां आएगा। अब इसको कैंसिल कराएंगे 3 से 15, 3 से होगा 3, 6 जा 18, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 4 जा 60, 1, 2, 3, 4, अप्रोक्स 40,000, अप्रोक्स नहीं पूरा कैलकुलेशन इसका आ गया 40,000 kilojoule 1 kg फ्यूल को अगर हम बर्न करते हैं
तो 40,000 किलो जूल हीट रिलीज होगा। इसलिए इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होगा, हाँ, दस दी कैलोरीफिक कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, उस फ्यूल का जो कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो 40,000 किलो जूल। तो इस तरीके से हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू पर जो भी अगर न्यूमेरिकल बेस्ट क्वेश्चन अगर है और ये बनाने के लिए देता है, तो इस तरीके से हम लोग 1 kg फ्यूल का जो है कैलोरीफिक वैल्यू निकालेंगे, कितना किलो जूल हीट रिलीज करता है, वही उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू होगा। वो 4.5 kg से मतलब नहीं है, इतना केजी पर वो जलाया गया तो इतना हुआ था, 1 kg का यूनिटरी मेथड से हम लोग जो है निकाल करके उसका कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम लोग पिछले वीडियोज में ऐसे कुछ रिलेटेड चीज हम लोगों ने पढ़ा, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग